हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। देखिए, आज मैं आपको रीति काल के विषय में पढ़ाऊंगी, क्योंकि रीति काल से संबंधित एक क्वेश्चन आया है आपका TRE 3 में, ठीक है? और ये बिहारी से संबंधित क्वेश्चन आता है, रीति काल के ही कवि है, और आज मैं रीति काल के बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगी आपको। देखिए, रीति काल का समय, 1450 ईस्वी से 1850 ईस्वी माना जाता है। अब नामकरण देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 से 919 तक के कालखंड को रीति काल कहा है। 1700 से 1900 तक के कालखंड को रीति काल कहा है। मध्य काल को जिन दो कालखंडों में बांटा गया है उनके नाम है पूर्व मध्य काल और उत्तर मध्य काल। पूर्व मध्य काल को भक्ति काल और उत्तर मध्य काल को रीति काल कहा गया है। तो समझ में आया, पूर्व मध्य काल को क्या कहा गया है? पूर्व मध्य काल को, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल और मध्य काल को रीति काल कहा गया है। अब देखिए, रीति काल के लिए जो नाम दिए गए हैं वे इस प्रकार हैं। देखिए, अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने नाम दिया अलंकृत काल, रीति काल को नाम दिया मिश्र बंधुओं ने। श्रृंगार काल, ये नाम दिया किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। रीति काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। वैसे रीति काल को उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है, और इन लेखों ने अलग अलग नाम दे दिए। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा, विश्व प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल कहा। किसे कहा? इसे उत्तर मध्य काल को, ठीक है? अगला आगे देखिए, मिश्र बंधुओं का तर्क यह है कि इस काल में कविता को अलंकृत करने पर अधिक बल दिया गया है, इसीलिए इसका नाम अलंकृत काल होना चाहिए। किंतु इस काल में लक्षण ग्रंथों की रचना प्रचुर मात्रा में हुई है तथा अलंकृत काल कहने से इस प्रवृत्ति का बोध नहीं हो पाता, अतः यह नाम समीचीन नहीं है। श्रृंगार काल कहे जाने के पक्ष में यह तर्क दिया गया है कि इस काल के कवियों की व्यापक प्रवृत्ति श्रृंगार वर्णन की थी, किंतु श्रृंगारी कवियों ने भी काव्यांग निरूपण की ओर रुचि दिखाई। ऐसी स्थिति में केवल श्रृंगार काल कहने से रीति काल की संपूर्ण कविता का बोध नहीं हो पाता। काव्यांग चर्चा इस काल की सामान्य प्रवृत्ति थी और कविगण उसमें वैसा ही आनंद लेते थे जैसा भक्ति काल में ब्रह्म ज्ञान चर्चा में लिया जाता था। लक्षण ग्रंथों का निर्माण दूसरों को काव्य रचना पद्धति का ज्ञान कराने के उद्देश्य से किया जाता था, अर्थात ये कवि शिक्षक या आचार्य की भूमिका का निर्वाह करने में गौरव का अनुभव करते थे। देखिए, अब रीति काल, रीति काल में रीति शब्द का प्रयोग काव्यांग निरूपण के अर्थ में हुआ है। ऐसे ग्रंथ जिनमें काव्यांगों के लक्षण एवं उदाहरण दिए जाते हैं रीति ग्रंथ कहे जाते हैं। रीति काल के अधिकांश कवियों ने रीति निरूपण करते हुए लक्षण ग्रंथ लिखे, अतः इस काल की प्रधान प्रवृत्ति रीति निरूपण को माना जाता है। रीति काल के प्रमुख मुक्तक काव्य, देखिए यहाँ रीति काल के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं का विवरण प्रस्तुत किया गया है। देखिए, चिंतामणि की कविताएं कौन कौन सी हैं? कवि चिंतामणि एक रचयिता है, कवि है। कवि कुल, कल्पतरु, काव्य विवेक, श्रृंगार, एक सेकेंड ये देख लीजिए यहाँ से, को माना जा सकता है। तो ये रह गया था आपका आचार्य शुक्ल ने कालों के नामकरण प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर किए हैं, अतः रीति की प्रधानता के कारण
इस काल का नामकरण उन्होंने रीति काल किया है। रीति से उनका तात्पर्य पद्धति शैली काव्यांग निरूपण से है। रीति का वर्गीकरण। रीति काल के कवियों का वर्गीकरण रीति को आधार बनाकर इस प्रकार किया जा सकता है, रीतिबद्ध और रीति मुक्त और रीति सिद्ध। तो तीन प्रकार के हो गए। तो रीति के आधार बनाकर कवियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। एक तरह, एक तो रीति पद के कवि होते हैं, एक रीति मुक्त के कवि और एक रीति सिद्ध के। अब देखिए रीति पद के वर्ग के कवि कौन कौन है। इस वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन में बंधे हुए हैं। किस में बंधे हुए हैं? रीति के बंधन में बंधे हुए हैं, अर्थात जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना की। लक्षण ग्रंथ लिखने वाले इन कवियों में प्रमुख है चिंतामणि। देखिए ये रीतिबंध कवि है, एक तो चिंतामणि, मतिराम, देव, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र, मंडन सुरुति मिश्र और सोमनाथ, भिकारी दास, दुल्हे रघुनाथ, रसिक गोविंद, प्रताप सिंह, गवाल आदि। अगला देखिए रीति मुक्त कवि। इस वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त रहते हैं, अर्थात इन्होंने काव्यांग निरूपण करने वाले ग्रंथों लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की तथा हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर काव्य रचना की। इन कवियों में प्रमुख हैं घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। याद रखिए ये पेपर में आया था क्वेश्चन आपके बीपीएससी में कि मतलब कि रीति मुक्त कवि कौन सा है। तो उसमें चार ऑप्शन चार हैं, घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। तो याद रखना कोई सा भी आ सकता है इन चारों में से, और तीन और अलग से ले लिए जाएंगे और इनमें से एक दे दिया जाएगा आपको ठाकुर। तो आपको बताना होगा कि रीति मुक्त कवि ये है। अब देखिए रीति सिद्ध कवि। तीसरे वर्ग में वे कवि आते हैं जिन्होंने रीति ग्रंथ नहीं लिखे किंतु रीति की उन्हें भली भांति जानकारी थी। वे रीति में परांगत थे। इन्होंने इस जानकारी का पूरा पूरा उपयोग अपने काव्य ग्रंथों में किया। इस वर्ग के प्रतिनिधि कवि बिहारी हैं। उनके एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई में रीति की जानकारी का पूरा पूरा उपयोग कवि ने किया है। अनेक प्रकार की नायिकाओं का उसमें समावेश है तथा विशिष्ट अलंकारों की कसौटी पर भी उनके अनेक दोहे खरे उतरते हैं। जब तक किसी पाठक को रीति की जानकारी नहीं होगी तब तक वह बिहारी सतसई के अनेक दोहों का अर्थ हृदयंगम नहीं कर सकता। अब देखिए ये रीति के प्रमुख मुक्तक काव्य। देखिए कौन कौन से यहाँ रीति काल के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं का विवरण प्रस्तुत है। ये आपके रचयिता है, मतलब चिंतामणि कौन है आपके कवि, और इनकी रचनाएं देख लीजिए। कवि कुल, कल्पतरु, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, रास विलास, छंद विचार। भूषण की रचनाएं देखिए। भूषण भी एक रीतिकालीन कवि है, रीति काल के कवि। तो ये भूषण, शिवराज भूषण, छत्रसाल, दशक, शिवा बावनी, अलंकार प्रकाश, छंदो हृदय प्रकाश। अगला देखिए मतिराम की रचनाएं, ललित ललाम, पेपर में आया हुआ है ये भी ललित ललाम, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन देखे हैं। तो ललित ललाम किसकी रचना है? मतिराम की। और मतिराम सतसई किसकी रचना है? मतिराम की। रसराज भी मतिराम की। अलंकार पंचासिका मतिराम की। और वृत्त कोमली ये भी मतिराम की रचना है। अगला देखिए बिहारी की क्या है, बिहारी के बिहारी सतसई। जसवंत सिंह की रचनाएं देखिए, भाषा भूषण, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, अनुभव प्रकाश और अपरोक्ष सिद्धांत, स्पुष्ट छंद। देखिए कुलपति मिश्र की रचनाएं, रस रहस्य, कुलपति मिश्र की रचनाएं, रस रहस्य, नक सिख, दुर्गा भक्ति, ये किसकी है? कुलपति मिश्र की। तरंगणी, मुक्ति रंगणी, मुक्ति रंगणी और संग्राम सार,
ये होगी आपकी किसकी, कुलपति मिश्र की। आलम की है क्या, आलम केली, ये तो आलम से तो आलम केली याद रख लोगे आप। अब देखिए देव, देव की रचना में विलास विलास अधिकतर मिलेगा। देखिए देव की रचना भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, जाति विलास और प्रेत तरंग, काव्य रसायन और देव शतक, प्रेम चंद्रिका, प्रेम दीपिका, राधिका विलास। तो याद कर लेना ये देव की रचना है। गोप की रचना है रामचंद्र भूषण, रामचंद्र भरण और रामालंकार, रामालंकार। तो गोप की रामचंद्र भूषण और रामचंद्र भरण और रामालंकार। घनानंद की देख लीजिए, घनानंद की रचनाएं हैं पदावली, वियोग बेली, सुजान हित प्रबंध, प्रीति पावस, कृपा कंद निबंध। देखो यमुना यश घनानंद की, परकीर्णन घनानंद की, परकीर्णन छंद घनानंद की। अगली देखिए भिकारी दास की, पेपर में आई हुई है ये भी, भिकारी दास की रचना काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय भिकारी दास ने की रचना है, रस सरंग सारा अंश भिकारी दास की रचना, छंद प्रकाश भिकारी दास की और छंदा छंदावर्ण छंदावर्ण। तो ये भिकारी दास की रचना है। अब देखिए कृष्ण कवि की रचना अलंकार कला निधि, गोविंद विलास, बोधा की, विरह वारिस, इश्क नामा, बोधा का याद रखना। पद्माकर की रचनाएं देखिए जगत विनोद, पद्मा भरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, कली पच्चीसी, प्रताप सिंह, विरुदावली, स्फुट छंद। तो किसकी है ये, पद्माकर की रचनाएं। प्रताप साई की रचनाएं देखिए व्यंगार्थ कोमदी, प्रताप साई की काव्य विलास और श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, काव्य विनोद, अलंकार चिंतामणि। अगला देखिए गवाल की रसिकानंद, यमुना लहरी, रस रंग, दूषण दर्पण, राधा राधाष्टक, कवि हृदय विनोद, कुब्जाष्टक, अलंकार, भरम भंजन, रस रूप, दीर्घ शतक, कवि दर्पण। अगला क्वेश्चन ये देखिए कवि श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी, कवि कल्प द्रुम, श्रृंगार चालीसा। देखिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये जो ये कवि है इसमें भी आपका जो 15 मार्च 2024 को पेपर हुआ था इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था, इससे केशव दास की रचना आई थी शायद। देखिए रीति काल के प्रमुख कवि, तो रीति काल के प्रमुख कवियों को देखिए आप, देखिए रीति काल के प्रमुख कवि केशव दास के बारे में देखिए आप, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये कवि। आचार्य केशव दास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समय विभाग की दृष्टि से भक्ति काल में स्थान दिया है, तथापि प्रवृत्ति की दृष्टि से रीति काल के अंतर्गत आते हैं। वस्तुतः केवल केशव से हिंदी की रीति परंपरा प्रारंभ होती है। वे हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। केशव का जन्म 1560 ईस्वी और मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई। ये ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। अब की बार जो आपका 19 जुलाई को एग्जाम हुआ उसमें पूछ लिया गया था आपसे कि मतलब कि बिहार बिहारी जो थे वे किसके राज्य में आश्रय थे, तो वे थे किसके, जय सिंह के। तो अब की बार क्या पता आपसे पूछ लिया जाए कि महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे, कौन रहते थे, केशव दास। जैसे कि बिहारी को पूछ लिया गया था कि वे किसके आश्रय में रहते थे, तो वे रहते थे जय सिंह के। ठीक है, तो याद रखना ये किसके रहते हैं, महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। केशव को अलंकारवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अलंकारहीन कविता को सुंदर ही नहीं मानते थे। देखिए यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुब्रन सरस सुवृत, भूषण बिंदु ने विराजई,
कविता बनीता मीत। आचार्य केशव दास के लिखे 9 ग्रंथों के नाम इस प्रकार है। इन ग्रंथों को आप याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। रसिक प्रिया, इसकी रचना कब हुई थी, 1591 में। रामचंद्रिका की 1601 में, और कवि प्रिया की 1601 में। रतन बाबनी की 1607 में, और वीर सिंह देव चरित की 1607 में। विज्ञान गीता 1607 में, याद रखिए। रसिक प्रिया हुई 1591 में, और रामचंद्रिका कवि प्रिया ये दोनों हुई 1601 में। रतन बाबनी, वीर सिंह देव चरित्र और विज्ञान गीता ये हुई 1607 में। अब देखिए जहांगीर जस चंद्रिका और नकसिक छंदमाला ये आपकी 1612 में हुई। तो याद रख सकते हो जय जन छह जन छह तो 1612 में, ठीक है, याद ऐसे कर सकते हो। रसिक प्रिया 1591, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए इनमें रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला रीति परक ग्रंथ है। रसिक प्रिया 16 प्रकाशों में विभक्त लक्षण ग्रंथ है, जिसका मूल प्रतिपाद श्रृंगार विवेचन है। इस ग्रंथ के 13 प्रकाशों में तो श्रृंगार चर्चा है, तथा शेष 3 प्रकाशों में अन्य रसों वृत्तियों एवं काव्य दोषों का विवेचन है। कवि प्रिया की रचना केशव ने अपने आश्रय दाता राजा इंद्रजीत सिंह की राजनृत्यी राय परवीन को काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से की थी। अलंकार निरूपण के साथ साथ इसमें काव्य रीति, काव्य दोष आदि का भी विशद विवेचन है। केशव के आचार्य तत्व एवं कवि तत्व की पूर्ण अभिव्यक्ति इसी ग्रंथ में हुई है। अब देखिए भूषण के बारे में, भूषण कवि के विषय में देख लीजिए आप, ये भी इम्पोर्टेंट है। भूषण कवि, भूषण छत्रपति शिवाजी और पन्ना के राजा छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रहने वाले ऐसे रीतिकालीन कवि हैं, जिन्होंने वीर रस की कविताएं लिखकर अपूर्व ख्याति अर्जित की। चित्रकूट के राजा रुद्र शाह सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि दी। किसने दी, चित्रकूट के राजा रुद्र शाह सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी, और वे इस नाम से इतने प्रसिद्ध हुए कि इनका वास्तविक नाम ही किसी को नहीं पता। इनका जन्म काल 1613 ईस्वी में माना गया है। भूषण के विषय में कहा जाता है कि इनकी पालकी में स्वयं महाराज छत्रसाल ने अपना कंधा लगाया था। भूषण ने जिन दो नायकों को अपने वीर काव्य का विषय बनाया, वे अन्याय दमन में तत्पर हिंदू धर्म के संरक्षक दो इतिहास प्रसिद्ध वीर महाराज शिवाजी एवं छत्रसाल बुंदेला थे। अतः उनके द्वारा वर्णित प्रशासकीय रीति काल के अन्य कवियों जैसी झूठी खुशामंद नहीं थी, अपितु भूषण के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति बन गए। आचार्य शुक्ल के अनुसार इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। भूषण ने शिवराज भूषण और शिवा बावनी की रचना महाराज शिवाजी के आश्रय में रहकर की। इनमें से शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ है, जिसमें 105 अलंकारों के लक्षण और उदाहरण जय देव कृत चंद्रा लोक के आधार पर दिए गए हैं। अलंकारों के लक्षण दोहों में तथा उदाहरण कवित सेवैयों में है। उदाहरण कहीं कहीं लक्षण के अनुरूप नहीं है। छत्रसाल दशक में महाराज छत्रसाल की वीरता का वर्णन है, तो शिवा बावनी में शिवाजी का बखान है। अब तक भूषण के लिखे उक्त 3 ग्रंथ उपलब्ध हुए। कुछ लोग इनके 3 और ग्रंथों का उल्लेख करते हैं, जिनके नाम है भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा। भूषण की ख्याति आचार्य के रूप में उतनी नहीं है
जितनी वीर रस के कवि के रूप में है, युग धर्म के अनुरूप उन्होंने अलंकार विषय ग्रंथ अवश्य लिखा, तथापि मूलतः वे ओजस्वी कवि ही है। उनकी भाषा ओजपूर्ण तो है, किंतु वह अव्यवस्थित है। उनकी कविता में राष्ट्रीयता विद्वान है। वे भारतीय संस्कृति के रक्षकों की प्रशंसा में छंद लिखने वाले कवि के रूप में समग्र हिंदू जनता के द्वारा सराहे गए कवि है। अगला कवि देख लीजिए आप लोग, देव नाम का कवि, ये भी रीतिकाल कवि है। तो कवि देव का पूरा नाम देवदत्त था, तथा ये इटावा के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? इटावा के। और इटावा कौन? यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है। इनका जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था, तथा इन्होंने अनेक राजा रजवाड़ों का आश्रय प्राप्त किया था। इनकी मृत्यु अनुमानत है 1767 ईस्वी के आसपास हुई। देव को कोई अच्छा उदार आश्रयदाता नहीं मिला जहां ये टिककर रहते। परिणामतः ये बराबर अपना आश्रयदाता बदलने को विवश हुए। देव ने प्रचुर मात्रा में ग्रंथों की रचना की, जिनकी संख्या कुछ लोग 72 बताते हैं, किंतु अभी तक केवल 15 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए हैं, जिनके नाम है भाव विलास। इस ग्रंथ को इन्होंने औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया था, जो हिंदी कविता के प्रेमी थे। देखिए अष्टयाम, यह ग्रंथ भी अजय साहू को सुनाया था। भवानी विलास भवानी दत्त वैश्य के नाम पर लिखा गया। कुशल विलास फूबंद रियासत के राजा कुशल सिंह के नाम पर लिखा गया। प्रेमचंद्रिका राजा उदोत सिंह वेश के लिए लिखी। जाति विलास भिन्न भिन्न प्रांतों जातियों की स्त्रियों का वर्णन है इसमें। रस विलास राजा भोगी लाल के आश्रय में लिखा गया। राग रत्नाकर संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है। देव शतक अध्यात्म विषयक ग्रंथ है, जिसमें जीवन जगत की असारता का चित्रण है। देव चरित्र कृष्ण के जीवन पर आधारित प्रबंध काव्य है। शब्द रसायन लक्षण ग्रंथ है, तथा सर्वांग निरूपक रीति ग्रंथ है। सुजान विनोद सुजान मणि के आश्रय में लिखा। सुख सागर तरंग रस नायिका भेद आदि से संबंध कवित सवैयों का संग्रह है। देव माया परपंच प्रबोध चंद्रोदय नामक संस्कृत नाटक का पदानुवाद है। प्रेम तरंग प्रेम के महातम्य का वर्णन है। देव एक समृद्ध कवि एवं प्रतिभा संपन्न आचार्य के रूप में समादृत रहे हैं। आचार्य तब की अपेक्षा देव का कवित्व अधिक सशक्त है। इनके काव्य का मूल विषय श्रृंगार रहा है। इनकी रचनाओं में कल्पना की चारुता और अर्थ वैभव का सुंदर सामंजस्य हुआ है। विषय अनुकूल शब्द चयन अनुप्रासंगिकता के कारण इनकी अभिव्यंजना शैली भी प्रश्नीय बन पड़ी है। कहीं कहीं शब्दों की अनावश्यक तोड़ मरोड़ एवं व्याकरणिक अव्यवस्था के बावजूद उनकी कविता सरस भावपूर्ण एवं हृदय ग्राही बन पड़ी है। नायिका भेद का विवेचन भी देव ने अत्यंत सूक्ष्म ढंग से किया है। इस विवेचन पर भानुदत्त की रस मंजरी का प्रभाव साफ झलकता है। अलंकार निरूपण में वे भामा एवं दंडी के ग्रंथों से प्रभावित हैं। देव रसवादी आचार्य थे, तथा इसका निर्वाह उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में किया भी है। रीति निरूपण की दृष्टि से कवि देव उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने कवि के रूप में है। उनकी कवित्व शक्ति की तुलना कुछ विद्वानों ने बिहारी से करते हुए हिंदी क्षेत्र में एक विवाद खड़ा कर दिया कि देव बड़े हैं या बिहारी। इस विषय के पक्ष विपक्ष में अनेक पुस्तकें
लिखी गई है। अगला कवि देख लीजिए आप लोग। देखिए पद्माकर के बारे में, रीति काल के कवियों में पद्माकर का नाम आदर से लिया जाता है। बिहारी के बाद रीति काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि पद्माकर ही है। इनकी जैसी लोकप्रियता बहुत कम कवियों को प्राप्त होती है। पद्माकर के पिता का नाम मोहनलाल भट्ट एक महान विद्वान एवं कवि थे। पद्माकर का जन्म बांदा में, ये भी बांदा भी हमारी यूपी में ही है, 1753 ईस्वी में हुआ और 80 वर्ष की आयु पाकर 1633 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हुआ। पद्माकर किसी एक स्थान पर टिककर नहीं रह पाए। हिम्मत बहादुर अवध के बादशाह की सेना के बड़े अधिकारी थे। हिम्मत बहादुर अवध के बहादुर शाह की सेना के बड़े अधिकारी थे। उनकी वीरता पर मुग्ध होकर पद्माकर ने हिम्मत बहादुर वीरुदावली की रचना की। यह वीर रस की फड़फड़ा पकड़ती हुई रचना है। सतारा के महाराज रघुनाथ राव राघुबा से इन्हें एक हाथी, 1,00,000 रुपया, 10 गांव प्राप्त हुए थे। तत्पश्चात पद्माकर जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के यहाँ रहे। उनके पुत्र जगत सिंह के संरक्षण में रहकर पद्माकर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ जगत विनोद की रचना की। यहीं पर इन्होंने अपने अलंकार ग्रंथ पद्माभरण की रचना की। महाराजा जगत सिंह के स्वर्गवास के बाद ये ग्वालियर के महाराजा दौलत राव सिंधिया के दरबार में भी रहे। हितोपदेश का भाषा अनुवाद इन्होंने ग्वालियर में रहकर किया। बाद में ये ग्वालियर से बूंदी गए और वहां कुछ काल तक रहने के बाद बांदा आ गए। अंतिम समय में ये रोगग्रस्त रहते थे, तभी इन्होंने प्रबोध पचासा की रचना की। अंतिम समय निकट जानकर ये कानपुर में गंगा तट पर रहने लगे और वहीं उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गंगा लहरी की रचना की। इस प्रकार पद्माकर के लिखे ग्रंथ निम्नवत हैं: हिम्मत बहादुर वीरुदावली वीर रस प्रधान चरित्र काव्य है, प्रताप शाही वीरुदावली चरित्र काव्य है, कली 25 कली युग का वर्णन है इसमें, जगत विनोद श्रृंगार रस का ग्रंथ है, निरूपक रीति ग्रंथ, पद्माभरण अलंकार ग्रंथ लक्षण ग्रंथ है, प्रबोध पचासा वैराग्य निरूपण है, गंगा लहरी गंगा महात्म्य है। जगत विनोद में 6 प्रकरण और 731 छंद है। श्रृंगार रस एवं नायिका भेद का विशेष विवेचन किया गया है। काव्यांगों के लक्षण दोहों में है। उदाहरण कवित सवैयों में है। इस ग्रंथ की रचना के लिए आधार सामग्री भानुदत्त की रस मंजरी, केशव की रसिक प्रिया विश्वनाथ के साहित्य दर्पण से ली गई है। इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि लक्षण सुबोध तथा उदाहरण सरस है। पद्माकर की गणना अच्छे कवियों में होती है। उनकी रचनाओं में कवित्व का पूर्ण उत्कर्ष दिखाई पड़ता है। मधुर और स्वाभाविक कल्पना, सजीव मूर्ति, विद्वान एवं उपयुक्त शब्द चयन के कारण इनकी कविता का भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों ही सशक्त बन पड़े हैं। भाषा की परवामयता एवं विषय की सरसता के कारण पद्माकर रीति काल के श्रेष्ठ कवियों में स्थान पाते रहे हैं।